केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पर हिंदी में दिए जा रहे दो पुरस्कारों से कांग्रेस के दोनों दिग्गज नेताओं के नाम हटा दिए हैं। 1986 में शुरू किया गया इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार अब कीर्ति पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार को अब राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना कहा जाएगा। मौसमी सिंह हमारी संवाददाता हमारे साथ हैं। मौसमी, क्या वजह रही, क्या तर्क दिए गए और क्या अब इस पर राजनीति होगी? जी बिल्कुल सही। देखिए, जिस तरह से लगातार एनडीए सरकार तमाम पुरानी स्कीम्स जिसमें गांधी परिवार का नाम है या कांग्रेस के दिग्गजों का नाम है उनको बदल के नए नाम दे रही है, उस पर पहले से ही काफी सियासत हो रही थी। और हाल ही में जो एमएचए का ऑर्डर आया है, 25 मार्च का ये ऑर्डर है और ये उन अवार्ड्स के लिए होता है, हिंदी अवार्ड्स के लिए होता है जिसका खुद राष्ट्रपति जिसको देते हैं सितंबर के महीने में। अब उनमें से चार जो अवार्ड हैं उनको एक साथ करके दो अवार्ड में तब्दील किया गया है और इनमें से दो अहम पुरस्कार जिनमें इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का नाम था उनका एक तरह से नामकरण कर दिया गया है और उनको राजभाषा पुरस्कार बुलाया गया है, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। और जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ है, हालांकि एमएचए का कहना है कि इसमें सियासत नहीं देखी जानी चाहिए, पर साफ तौर पे अब ये मामला आरोप प्रत्यारोप पे आकर रुक गया है। बहुत धन्यवाद मौसमी, हमारी संवाददाता जानकारी दे रही थी। आप बने रहिए हमारे साथ, हम होते हैं बस कुछ ही देर में हाजिर। देखते रहिए आज तक।